फ्रेंड्स, मेरा नाम है दत्ता देवतड़े और मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे फ्यूचर सिविल सर्वेंट पे। आज हम देखने वाले हैं साइक्लोन निसर्ग के बारे में, जो रिसेंटली IMD ने महाराष्ट्र को रेड जोन में डाल दिया है। ठीक है, इसके बारे में हम जानते हैं। पहले हम महाराष्ट्र के डिटेल्स देख लेते हैं। महाराष्ट्र का जो लैटिट्यूड है वो 15 डिग्री 44 मिनट्स नॉर्थ टू 22 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। और लॉन्गिट्यूड की बात की जाए तो 70 डिग्री 36 मिनट ईस्ट टू 80 डिग्री 54 मिनट ईस्ट। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब महाराष्ट्र थर्ड लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का, और जो लास्ट साइक्लोन आया था वो आया था 1891 में, नियरली 130 ईयर्स एगो। ठीक है, जो जून में आया था। ठीक है, लेकिन और एक साइक्लोन आया था 2009 में, साइक्लोन फायान, जो नवंबर में आया था। ठीक है, ये इसका नॉर्मल टाइम पीरियड है नवंबर में, जून में आना एक एबनॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, अब देखते हैं इस साइक्लोन के वजह से IMD ने रेड कलर कोडेड वार्निंग पब्लिश किए। ठीक है, मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, धुले, नंदुरबार और नासिक डिस्ट्रिक्ट के लिए। ठीक है, अब देखते हैं फोरकास्ट ट्रैक एंड इंटेंसिटी के बारे में। डेट के साथ उनकी पोजीशन, मतलब साइक्लोन की पोजीशन कहाँ पे रहेगी और उनकी स्पीड कितनी रहेगी, उसके साथ उनकी जो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस है उसकी कैटेगरी कौन सी रहेगी। ठीक है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, 2 तारीख को 6 बजे, सुबह के 6 बजे इसकी ये पोजीशन रहेगी, मतलब थी, जो आज की तारीख है 2। ठीक है, और उसकी स्पीड थी 60 to 70 किलोमीटर्स पर आवर, और गस्टिंग कर सकती है 80 तक। ठीक है, और इसको साइक्लोनिक स्टॉर्म दर्जा दिया गया है। ठीक है, साइमल्टेनियसली अगर 2 ही तारीख को 12 बजे देखा जाए तो इसकी पोजीशन ये हो गई थी 16.3 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ और लॉन्गिट्यूड 71.3 डिग्री। ठीक है, और इसकी स्पीड 80 to 90 किलोमीटर्स पर आवर, और ये भी साइक्लोनिक स्टॉर्म में कैटेगरी में आता है। और 6 बजे देखा जाए 2 ही तारीख को रात के, तो इसकी पोजीशन शिफ्ट हो गई है और उसकी स्पीड भी बढ़ गई है, और ये अब सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म कैटेगरी में आ गया है। जैसे जैसे देखा जाए तो ये ईस्ट की तरफ मूव हो रहा है, 71, 72, 73। ठीक है, यहाँ तक ये ईस्ट की तरफ मूव हो रहा है, और ये यहाँ पे देखा जाए 17, 18, 19, और ये ऊपर जा रहे हैं नॉर्थ की तरफ। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट ये डायरेक्शन को मूव हो रहे हैं। ठीक है, उसी के साथ 3 तारीख को साइक्लोनिक स्टॉर्म में इसकी स्पीड कम हो जाएगी, और 4 तारीख को ये डीप डिप्रेशन में हो जाएगा, उसकी स्पीड भी कम हो जाएगी। ठीक है, इनके पोजीशन के साथ ही, डेट के साथ इनकी पोजीशन भी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 तारीख को 12 बजे ये CS, मतलब साइक्लोनिक स्टॉर्म था, सिमिलरली ये यहाँ पे मूव कर रहा है, और 3 तारीख को ऐसा कहा जाता है। ठीक है, ये तीन, ये महाराष्ट्र को हिट करेगा, महाराष्ट्र मुंबई को। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे इसका पाथ दिया गया है, फोरकास्ट किया है IMD ने, सेम ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। अभी देखते हैं इंफॉर्मेशन इस साइक्लोन निसर्ग के बारे में। अभी ये कहा जाता है IMD के द्वारा कि ये मुंबई को हिट करेगा। ठीक है, 3 जून को, मतलब ये लैंड को हिट करेगा मुंबई के यहाँ पे, और इसके वजह से, साइक्लोन की वजह से हेवी रेनफॉल्स होने के चांसेस है, जो अपन महाराष्ट्र में अभी फिलहाल देख ही रहे हैं। और जो विंड स्पीड रहेगी वो 115 किलोमीटर्स पर आवर की, और ये बढ़कर 125 किलोमीटर्स भी हो सकती है एज़ पर IMD। और ये जो निसर्ग नाम दिया गया है, ये दिया गया है बांग्लादेश द्वारा। ठीक है, लेकिन एक फिनोमिना यहाँ पे एक देखा जा गया है, यहाँ से जो साइक्लोन बन रहा है उसकी डायरेक्शन इस साइड को है। ठीक है, पहले तो जानते हैं कौन से टाइप्स के साइक्लोन रहते हैं। एक तो टेम्परेट साइक्लोन रहता है, और दूसरा ट्रॉपिकल, अपन ट्रॉपिकल में आते हैं। ठीक है, 0 to 30 डिग्री, और ये 30 to 60 डिग्री में जो भी साइक्लोन्स आते हैं वो टेम्परेट या
इसमें गिने जाते हैं। अभी ये टेम्परेट जो है इसकी डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट रहती है वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस की वजह से, ठीक है। और वही ट्रॉपिकल की जो डायरेक्शन देखी जाए साइक्लोन की, वो रहती है ईस्ट टू वेस्ट। लेकिन यहाँ पे अगर ट्रॉपिकल की बात की जाए तो इसकी डायरेक्शन ये रहनी चाहिए एक्चुअली नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन अभी जो फ़िलहाल साइक्लोन आया निसर्ग, उसकी डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। तो इसका आंसर प्रॉपर अभी तक किसी को पता नहीं है कि ये फिनोमिना क्यों हो रहा है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि ये ओशन वार्मिंग के वजह से हुआ है, ठीक है। और इसका बड़ा रीज़न है क्लाइमेट चेंज, ठीक है। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।